नमस्कार, क्या हाल चाल है। हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम आपके लाए हैं बीजी यानी कि बिगोस के इलेक्ट्रिक स्कूटर। ये आरआर केबल के स्कूटर हैं और ये बिगोस नाम से आते हैं और इसमें आपको तीन वेरिएंट मिल जाते हैं। जैसे सामने मेरे खड़ा है बिगोस का C12 IMAX और इसमें कहता है EX और इसमें आता है IMAX 2.0। तो फिलहाल हम लेके आए हैं C12 I 2.0, यानी कि इसमें आपको तीन वेरिएंट मिल जाती है जिसमें आपको रेंज भी अलग अलग यहां पर मिल जाती है। और रेंज की बात करता हूं तो 80 किलोमीटर से लेके 150 किलोमीटर आपको यहां पर रेंज मिल जाती है। स्कूटर डायमेंशन में दिखने में आपकी जो तीनों वेरिएंट है वो एज इट इज आते हैं, 7 कलर आपको मिल जाते हैं और डायमेंशन में कुछ इस तरह से आता है। स्कूटर काफ़ी बड़ा यहाँ पर मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो पहले हम देखते हैं, मैं यहाँ पर बैठता हूँ तो यार मैं 5.7 का हूँ, इसको आसानी से हैंडल कर पाता हूँ। यहाँ पर आपको मिलती है एक सिंपल सी की और आपको यहाँ पर इसको लगाना है इस तरह से। और साइड स्टैंड सेंसर भी है भाई इसके अंदर, तो साइड स्टैंड लगा है तो गाड़ी आगे नहीं चलेगी। स्टैंड हटाने के बाद भी आपको ब्रेक लीवर प्रेस करके, इसमें एक सेल्फ का बटन है उसको प्रेस करना है, उसके बाद ही आपका स्कूटर यहाँ पर रेडी हो जाता है। यकीन करिए काफ़ी स्मूथ है। इसमें कुछ स्पेशल फीचर्स है, जैसे बात करूँ सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन आगे टेलीस्कोपिक और पीछे भी आपको स्प्रिंग वाले सस्पेंशन मिलते हैं। बाकी पीछे आपको दो स्प्रिंग सस्पेंशन मिलते हैं, इस तरफ भी आपको स्प्रिंग सस्पेंशन मिलते हैं और इस तरफ भी यहाँ पर आपको स्प्रिंग सस्पेंशन मिलते हैं। और दिखने में आप पीछे से ऐसा लगता है जैसे आप TVS iQube चला रहे, आपको सेम ऐसा दिखता है। बाकी आप पीछे से देखेंगे तो सस्पेंशन काफ़ी स्मूथ है और इसमें पावरफुल आपको मोटर मिल जाती है। मोटर की बात करूँ तो उसको 2500 वाट की पावरफुल मोटर मिल जाती है, 105 न्यूटन मीटर का आपको इसको पावर मिल जाता है और काफ़ी अच्छा पिकअप, सस्पेंशन काफ़ी अच्छे हैं और सब कुछ बॉडी से इनबिल्ट आता है। पीछे आपका लेडीज फुटरेस आ जाता है और भाई सेकंड पिलियन फुटरेस भी काफ़ी इंप्रेसिव है, काफ़ी अच्छे लगे हैं और बॉडी डायमेंशन काफ़ी अच्छा लगता है। और गाड़ी आप देखेंगे पास से तो आप इसका स्पीडोमीटर भी डालेंगे नजर, तो स्पीडोमीटर काफ़ी क्लियर है। ये देखिए सिंपल आपको की मिलती है, की मैं यहाँ पर लगाता हूँ की होल के अंदर इजी गोइंग, तो आपको स्पीडोमीटर यहाँ पर दिख रहा होगा ऑन होते हुए। तो इस तरह से स्पीडोमीटर है भाई। इसमें आपको दो स्विच मिल जाते हैं, D4 डिस्टेंस टू MPT, यहाँ बताता है आप गाड़ी कितने चलने वाली है और ये आपको यहाँ पर बताता है कि भाई स्पोर्ट मोड में कितना चलेगी आपकी, अभी एवरेज क्या आ रहा है, आपने कितने किलोमीटर चलनी, Trip 1 बताएगा, Trip 2 बताएगा, सारे फीचर आपको यहाँ पर आते हैं। और काफ़ी अच्छा आपका स्पीडोमीटर है, काफ़ी अच्छा विजिबिलिटी, काफ़ी सिंपल है, जितना इसमें आपको टेंशन वाली बात नहीं है, काफ़ी सिंपल है। इंडिकेटर भी आपको टर्न लेता हूँ इस तरह से आ जाते हैं। स्विचिंग भी काफ़ी प्रीमियम है इसमें, क्योंकि बिगोस का है, वही आरआर केबल का है तो इसमें प्लास्टिक क्वालिटी काफ़ी अच्छी यहाँ पे यूज़ करी। इंडिकेटर है आपका, हॉर्न है आपका यहाँ पे और यहाँ पे काफ़ी सिंपल एक स्विच दिया हुआ है S और E। S फॉर स्पोर्ट मोड है और E फॉर आपका इको मोड है, मतलब कोई आपको स्विच प्रेस नहीं करना है, आपको सिंपल यहाँ पर दिख रहा है। और ये लाइटिंग के स्विच है और ये आपका जो सेल्फ बोल सकते हैं आप, वो सेल्फ है और ये आपका एक्सेलरेशन है। तो फ्रंट पे थोड़ा देख लेते हैं नज़र एक बार, तो इसकी लाइट भी काफ़ी सुपर है इस तरह से, जब भी आप चाबी ऑन करेंगे तो आपको ये DRL टाइप लाइट यहाँ पर ऑन होती हुई मिलेगी। और अगेन अब लाइट अब जब ऑन करेंगे तो फुल लाइट उसकी इस तरह से यहाँ पर ऑन होती है। जब आप फुल लाइट ऑन करते हैं तो आपकी ये वाली लाइट यहाँ पर ये ऑफ हो जाती है और अपर डीपर कुछ इस तरह से ये रहता है भाई। ये इसका लो एंड है और ये इसका हायर है। जब लो एंड होगा और जब हायर होगा तो नीचे की लाइट इसकी बंद हो जाएगी, जब लो एंड होगा तो अपर की लाइट इसमें बंद हो जाएगी। इंडिकेटर इसके खुद के ही भाई मैन्युफैक्चरर है और LED आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं और फ्रंट से कुछ इस तरह से इसकी लुकिंग हो जाती है और ये काफ़ी अच्छा बिल्ड क्वालिटी में आता है। अगर टायर आपको 12 इंच का आता है, टेलीकॉम सस्पेंशन आते हैं और स्टील रिंग आती है, इसमें कोई अलॉय व्हील आपको नहीं मिलता है। ब्रेक आपको इसमें कॉम्बी ब्रेक कह सकते हैं आपको यहाँ मिल जाते हैं और ड्रम ब्रेक आपको 130 वाले इसमें मिल जाते हैं, यानी कि अगर आप ब्रेक लगाते हैं तो आपके 50-50 वाले ब्रेक यहाँ पर मिल जाते हैं। चलिए अब मैं डालता हूँ इसके अंडर स्टोरेज पे, क्योंकि मैं ना तो स्कूटर खरीदते हैं तो आपको स्टोरेज कितना मिलता है सबकी नज़र वहीं पर रहती है। तो भाई अंडर स्टोरेज चेक कर लेते हैं एक बार। तो भाई इसको ओपन करने के लिए चाबी को आपको एंटी क्लॉक वाइज घुमाना है इस तरह से और आपकी यहाँ पर सीट ओपन हो जाती है। तो इस तरह से ये कुछ ओपन हो चुका है। तो भाई आगे इसकी बैटरी है, रिमूव आप कर सकते हैं पर आपको यहाँ पर एक एलंगी से एक स्क्रू लगाना पड़ेगा, फिर आपकी बैटरी यहाँ पर हो जाएगी। कैन बेस वाले चार्जर है और ये आपकी बैटरी यहाँ पर लगी हुई है। तो ये है आपका MAX 2.0, यानी कि 2.7 किलोवाट की आपको बैटरी मिलती है। लिथियम बैटरी, इलेक्ट्रिक बैटरी दोनों ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं और इसमें जो सबसे हायर बैटरी आती है जो मैक्स वाले मॉडल में, उसमें आपको 3.2 किलोवाट की बैटरी आ जाती है। देखिए भाई ये है आपका यहाँ पर अंडर स्टोरेज, काफ़ी बड़ा है, 27 लीटर का है और इसमें आपको ये जो चार्जर मिल रहा है इसमें शो होता है कि आपकी गाड़ी कितने परसेंट यहाँ पर चार्ज हो जाती है। अलग अलग वेरियंट अलग अलग
स्पीड में यहाँ सॉरी टाइम में यहाँ पर चार्ज होता है, मिनिमम आपको 4 से 5 घंटे में ये यहाँ पर चार्ज हो जाता है और 0 से 80 ये 3 आवर्स में यहाँ पर चार्ज हो जाता है। इस तरह से कुछ इसका डायमेंशन आता है। ये आपने स्पेस देखा अंडर सिटी स्टोरेज 27 लीटर का है और यहाँ पर इसको चार्ज को यहाँ पर करना है और जब चार्जिंग आप करेंगे तो आप सीट को यहाँ पर बंद करके इस तरह से यहाँ पर चार्ज कर सकते हैं, यानी कि आपका चार्जर भी यहाँ पर चोरी नहीं होगा। भाई इसमें एक अंडर स्टोरेज और आता है, थोड़ा सा वो हिडन है। अब देखिए मैं यहाँ डोर मेट हटाता हूँ और यहाँ पर आपकी ये चाबी यहाँ से निकालता हूँ और इसको यहाँ पर मैं इजीली खोलता हूँ तो आपको ये 7 लीटर का यहाँ पर अंडर स्टोरेज मिल जाता है। यहाँ आप आगे देखेंगे आपको यहाँ कुछ होल्स मिलते हैं, मतलब एयर पास करने के लिए यहाँ पर इन्होंने कुछ होल दिए हैं। बैटरी जो आपकी आती है वो एल्युमिनियम से कवर्ड होती है तो यहाँ पर इसमें कूलिंग भी यहाँ पर होती है, मैं आपको बताना भूल गया हूँ। तो जो बैटरी है आपकी पूरी एल्युमिनियम से यहाँ पर कवर्ड रहती है, तो बैटरी के आगे यहाँ पर होल लगे हैं तो जो एयर आती है उससे यहाँ पर ये बैटरी आपकी कूल रहती है। बाकी इसमें काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर लगे हैं, 2 बैटरी रहती है इसके अंदर, एक बैटरी आपकी जो गाड़ी को मोटर को पावर देती है और एक बैटरी आपके यहाँ पर जो लाइटिंग वगैरह स्विच देती है वो बैटरी 12 वाट की अलग से यहाँ पर दे रखी है ताकि बैटरी स्पेशली यहाँ पर लोड इस पर ना आए इस पर आए। इन दैट केस कभी आपकी बैटरी ख़त्म भी हो जाती है तो आप यहाँ से उस लाइटिंग को ऑपरेट कर सकते हैं, मतलब आपकी लाइट हमेशा ऑन। चलिए एक बार इसकी टेस्ट साइड हम ले लेते हैं फटाफट से। तो चाबी ऑन कर ली है मैंने सिंपल, इसमें आपको सब कुछ है, नेविगेशन वगैरह सब कुछ एसिट कर सकते हैं ऐप से, आप ऑडोमीटर बता रहा है, इकोमोड बता रहा है। तो चलिए चाबी ऑन कर ली है, ब्रेक लीवर दबा के आपको ये रेड वाला स्विच आपको प्रेस करना है कंटिन्यू 1 टाइम। डी आ गया मतलब ड्राइव मोड, हम रेडी हो गए और चलने के रेडी हो गए। फिलहाल इको मोड में हम हैं तो देख लेते हैं कि भाई इको मोड में इसकी टॉप स्पीड कहाँ तक जाती है लेटेस्ट, वही हमको देखना है इसके अंदर। इको मोड के अंदर 35-37 आ गया, अभी फिलहाल हम डबल पिलियन के साथ चला रहे हैं गाड़ी को तो 45 तो आ गया है। स्पोर्ट मोड कर लेते हैं फटाफट से और थोड़ा रोड भी ख़राब आ गया है तो ये देखिए काफ़ी मतलब ख़राब रोड आया था तो हमने इसको किस तरह से मैनेज करा आपने यहाँ पे वो देख ही लिया होगा। और 54 तक तो आ गया है और हम देख लेते हैं कंटिन्यू में थोड़ा स्पीड तेज़ चला कर, और थोड़ा सा गाड़ी को मैंने ठहरा के भी चलाया है यहाँ पर तो 56-57 ऐसा कुछ आ रहा है। 60 की टॉप स्पीड है, अभी हम 2 पिलियन हैं और थोड़ी सी बैटरी हमारी सेकंड 2 सेल ही है और 57-59-58-59-59 आ रहा है बस ये। अब ब्रेक हम चेक कर लेते हैं तो भाई इसमें कॉम्बी ब्रेक है तो ब्रेक थोड़ा हम लगाएंगे तो सर थोड़ा संभल के बैठे, ब्रेक हम चेक करने वाले हैं इसके। ब्रेक काफ़ी इंप्रेसिव है, मैंने काफ़ी तेज़ ब्रेक लगाया, आपके सामने ब्रेक लगाया, आपने देखा होगा स्पीड कैसी खतरनाक से कंट्रोल हुई। जैसे मैंने ब्रेक लगाया गाड़ी हमारी वापस ड्राइव मोड में आ गई है। साइड डिस्टेंस सेंसर भी है, अगर साइड डिस्टेंस लगाते हैं तो गाड़ी आगे रन नहीं होती है। स्पोर्ट मोड में चल रहा है अभी ये गाड़ी और वापस हम दे रहे हैं आगे। जगह भी काफ़ी अच्छी है, सीट फाइटर है, थोड़े से पैर ऊपर तो लग रहे हैं मुझे पर बाकी ठीक है, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग है ये। आगे आपको बोतल होल्डर है, USB पॉइंट चार्जिंग भी है यहाँ पर। अगर आप कोई गांव के लिए लेने का सोच रहे हैं तो डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं। हैंडल काफ़ी अच्छा लगा, मतलब हैंडल वाइडर है तो और राइडिंग कंफर्ट में हैंडल इसका ऊपर है। जनरली आप देखते हैं पेट्रोल स्कूटर जैसा रहता है वैसा ही सेम यहाँ पर है, हैंडल अच्छा बड़ा है। और अब देखिए थोड़ा सा मैंने इसको नीचे उतारा तो शायद सस्पेंशन काफ़ी स्मूथ आ रहा है। एक बार आप इसको कैसा ही लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ उसके बारे में कुछ जानकारी दे रहा हूँ तो वो अच्छी बात है, पर अगर आपको यकीन करना है कि गाड़ी कैसी क्या है तो आप इसकी एक बार शोरूम पे जाके टेस्ट राइड लीजिए तो आपको मतलब पूरा पता लगेगा गाड़ी चलने में कैसी है। स्पोर्ट मोड में है अभी 49 है क्योंकि बैटरी 2 साल बची है मेरे। इसमें बहुत अच्छे फीचर्स भी है, जैसे बैटरी अगर आपकी 10% बचती है आप इसे इको मोड में 20 किलोमीटर तक चला सकते हैं, मतलब आपको घर यहाँ पर आराम से ये पहुँच जाएगी। टर्निंग रेडियस भी इसका काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सा ज़्यादा लगता है क्योंकि गाड़ी थोड़ी सी डायमेंशन में बड़ी है। वज़न की बात करूँ तो 115 किलो इसका वज़न है सबसे लेटेस्ट वाले का, सेकंड वाले का 110 है और सबसे लोएंट वाला 105 केजी वज़न है इसका। और घाट सेशन की बात करें तो 2 पिलियन के साथ आप 10 डिग्री के चढ़ाव यहाँ पर चढ़ सकते हैं स्पोर्ट्स मोड में, और अगर आप सिंगल हैं तो आप 11 डिग्री के चढ़ाव यहाँ पर चढ़ सकते हैं स्पोर्ट मोड में। तो ये बात मैं आपको बताना भूल गया था पर ये अच्छा है। इसमें ऐप कनेक्टिविटी भी आपको यहाँ पर मिल जाती है अगर इसका ऐप से आप करते हैं कनेक्ट, तो नेविगेशन असिस्ट यहाँ पर आप कर सकते हैं। और बाकी तो आपने देख ही लिया है उसका परफॉर्मेंस, पिकअप आपको यहाँ पर डैशबोर्ड पे दिख ही रहा होगा, हम इसको काफ़ी देर चला रहे हैं यहाँ पर, काफ़ी देर से हमने इसे काफ़ी चला रहे हैं कॉलोनी के अंदर। टर्निंग रेडियस वगैरह हमने सब कुछ यहाँ पे देखा है तो फुल टेस्ट राइड हमने यहाँ पे कर ली भाई। ऐसा नहीं कि मैं छोटी टेस्ट राइड करिए, आपको थोड़ा वीडियो लंबा है बाकी टेस्ट राइड पूरी नहीं है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम चित्तौड़ शहर में कहाँ पर घूम रहे हैं। तो ये भाई ये है राम रखी होटल और ये फ्रंट में आपका जो एम्पेयर का शोरूम था उसके पास में ही ये ब्लू कलर का बिगोस का शोरूम है भाई। थोड़ा सा शाम का मौसम हो चुका है, अंधेरा हो चुका है, फिर भी हम मार्केट में आए, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे शोरूम का। ये है हमारा बिगोस का शोरूम।
लीजिए। टेस्ट राइड इसकी मैं ले चुका हूँ, अब बात करते हैं इको वाले मोड में तो 45 तक जाता है और स्पोर्ट मोड में 60 तक जाता है। तीनों वेरिएंट इसके जो आते हैं, जो आपके इसके आ रहे हैं C12 iMax 2.0 और EX, सभी का जो पिकअप पावर बिल्कुल सेम है क्योंकि मोटर यहाँ पर सेम है। और बैटरी की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो आपको जो सबसे EX वाला मॉडल आता है उसमें आपको 2 किलोवाट की बैटरी मिल जाती है, जो मैक्स आता है 2.0 उसमें आपको 2.7 किलोवाट की बैटरी मिल जाती है, और जो सबसे लेटेस्ट आता है हमारा मैक्स उसमें आपको 3.2 किलोवाट की बैटरी यहाँ मिल जाती है। रेंज की बात करते हैं तो 135 किलोमीटर मिलती है सबसे टॉप वाले वेरिएंट में, आपका जो मिडिल वाला वेरिएंट है उसमें आपको 123 किलोमीटर मिल जाती है, और सबसे लो एंड वाला जो हमारा इसमें आपको 80 किलोमीटर रेंज मिल जाती है। सब कुछ ये रेंज आपको ARAI सर्टिफिकेट है। और उसकी बात करूं मैं मोटर की और बैटरी की, तो ये IP67 द्वारा यहाँ पर इसको रेटिंग यहाँ पर मिली है। वारंटी की बात करता हूँ तो 3 साल आपको वारंटी मिल रही है और 36,000 किलोमीटर चारों आपके जो पार्ट आते हैं मोटर कंट्रोल और बैटरी पे आपको वारंटी यहाँ पे 3 साल की मिल रही है और 36,000 किलोमीटर मिल रही है। ये इंडियन मैन्युफैक्चर है और ये पुणे में मैन्युफैक्चर होती है और RR केबल वालों का एक ये प्रोडक्ट है। स्टार्टिंग प्राइस होती है इसकी 1,12,000 रुपये, एक शोरूम से स्टार्ट है। फिलहाल ये चित्तौड़गढ़ में हमारे जो शोरूम है दर्श पे यहाँ पर मिल रही है राम रखी होटल के सामने। तो ये शोरूम का नंबर डिस्प्ले हो रहा है, अगर आप हमारे चित्तौड़ शहर के आसपास से हैं तो बिगोस के बारे में इसकी इंक्वायरी कर सकते हैं। फिलहाल ये स्कूटर अब टेस्ट साइट के लिए भी अवेलेबल है और बहुत ही जल्दी इसका शोरूम भी ओपन होने वाला है। तो एक गाड़ी आज मुझे वहाँ शोरूम से आज ये मिली थी, इसमें 7 कलर आपको मिल जाते हैं और 7 कलर काफ़ी अच्छे आते हैं। कुछ कलर ड्यूल टोन आते हैं, कुछ मैट फिनिश कलर आ जाते हैं और कुछ आपको इसमें यहाँ पर प्लेन कलर भी मिल जाते हैं। बैटरी की अगर आपको मैं बात करूँ तो इसमें आपको बैटरी में लिथियम फेरो फास्फेट का ऑप्शन भी मिल जाता है और लिथियम बैटरी का भी ऑप्शन मिल जाता है। सबसे जो टॉप एंड वाला वेरियंट है इसका C12 मैक्स वाला, उसमें आपको लिथियम बैटरी मिलती है, और जो आपका सर लो एंड वाला और जो मिडिल वाला मॉडल है उसमें आपको यहाँ पे लिथियम फेरो फास्फेट वाला भी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। तो ये है भाई बिगोस का स्कूटर। गाड़ी अच्छी है, स्मूथनेस है, सस्पेंशन काफी अच्छे हैं, चलाने में कोई झटका नहीं है, सीट काफी वाइडर है, 774 mm के आसपास आपकी सीट है, मतलब ये एक बिल्कुल फैमिली स्कूटर लगता है। पीछे से भी आप इसका लुक देखें, थोड़ा सा मैं आपको बताना भूल गया था, एक बार आप इसका लुक देख ले, काफी इंप्रेसिव मुझे यहाँ पे इसका लुक लगा। इस तरह से कुछ इसका बैक से लुक काफी शानदार लगता है इसका, और ब्रेक लाइट जब हम प्रेस करते तो कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखता है। तो काफी अच्छा स्कूटर मुझे लगा, काफी अच्छी लगी मुझे तो, नीट एंड क्लीन फाइन लगी। तो ये था हमारा भाई बिगोस C12 iMax का एक छोटा सा रिव्यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करने का वो आपके ऊपर। तो मिलता है आपसे अच्छे से वीडियो, तो नमस्कार, धन्यवाद।